काफी एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में एक टेलीविजन शो को इस तरह से वर्ल्ड प्रीमियर उन्होंने समझा कि लायक है कि वो वर्ल्ड प्रीमियर हो सके. लोग कैरी फुकुनागा जो मैं उनके शोज देखता हूँ, मैं उनको बहुत चाहिदा है. जो गिडियन रैफ जो है जो इसराइल से आए हैं, जो एलए से आए मिलने के लिए और शो देखने के लिए, उनके उनके सामने ये शो का प्रीमियर मिला. मैं मतलब इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी एंड वेरी बिग डे फॉर द शो. नहीं, एडवांटेज तो है नहीं, ये अलग अलग फॉर्मेट है जहाँ पे सिनेमा में, जहाँ पे स्टोरी में, जहाँ पे फिल्म में आपको एक कहानी दो घंटे में बताना पड़ता है, यहाँ पे आप 100 एपिसोड ले सकते हैं. तो एक बहुत ही अलग फॉर्मेट है. हर कैरेक्टर का जो बिल्डअप है, जो ग्राफ है, जो जो चेंजेस है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सिनेमा में, फिल्म में वो होता नहीं है. काफ़ी टाइम पे एक यूनिडायमेंशनल वर्जन आती है, बट इट इज़ काफ़ी फिल्म है जो जो आपको मतलब भौंका देती है ना. पिंक जैसी फिल्म, नीरजा जैसी फिल्म, हालांकि हमने इससे खुद प्रोड्यूस किया है लिफ्ट. जब एक कहानी आपको पुल करती है, वो कहानी के पीछे आपको जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए वो कहानी को एक सही तरह से उसे दिखाना. आपको क्या उसके क्या रिक्वायरमेंट है, फिल्म या टीवी?